अरे दोस्तों, आप वेदर जो हमारा, मैं आपको अपनी काउज दिखाता हूँ जो साहिवाल। वेलकम टू आवर फार्म। मैं आप सभी का अपने एग्रीकेट एग्रो गेट फार्म यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। और माय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अपना फर्स्ट ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। और फर्स्ट ब्लॉग में मैं आपको अपने फार्म का टूर कराऊंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे फार्म के ऊपर किस तरीके से हम अपने एनिमल्स को मैनेज करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज जो वेदर है, आप देख पा रहे हैं ये बारिश के हमारे यहाँ का वेदर है। आप हरियाली देख रहे होंगे मेरे फार्म के बाहर। ये हमारी लैंड है जिसमें हमने सरसों, गेहूं, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे उगाई हुई है, लगाई हुई है। और ये आप देख रहे हैं हमारे फार्म का ट्रैक, बिल्कुल आपको फील देगा, बिल्कुल एक रूरल की फील देगा, डेजर्ट की फील देगा। और हमारे यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं बहुत हैप्पी रहते हैं। और बारिश के बाद का जो मौसम है, आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा वेदर क्लियर हो गया है, पोल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और जो पेड़ों पे हरियाली और चमक है वो आपको देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चमक आ रही है पेड़ों के ऊपर, क्योंकि बारिश अपने आप में पेड़ों के लिए एक अमृत का काम करती है। और लोग में आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको अपने पूरे फार्म का टूर कराता हूँ। ये हमारा एंट्री गेट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं माई फ्रेंड्स। और अभी हम चलते हैं हमारे। इसके बाद वो वेदर बहुत ज़्यादा क्लियर है, लेकिन पानी पानी हो गया है, हर जगह पानी है। और ये मेरा भैरव आप देख पा रहे हैं, ये एक भूटिया डॉग है। ये बहुत ही ज़्यादा एक अल्टीमेट गार्ड डॉग है जो मेरे पूरे फार्म की रखवाली करता है। 24 आवर्स ये ओपन रहता है। आप देखेंगे भैरव को, भैरव का अभी फीडिंग का टाइम है, तो ये वेट कर रहा है फूड का कि इसको वहाँ पे बुलाया जाएगा। वहाँ पे मेरा लड़का जो कैनल बॉय है, ये मेरा फार्म का, मैं आप देख पा रही हूँ मेरी कैनल है, मेरे डॉग्स यहाँ पे रहते हैं। और इसमें रोहित जो मेरा कैनल बॉय है वो खाना सर्व कर रहा है मेरे डॉग्स। अभी फीडिंग टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है माई फ्रेंड्स, तो मेरे डॉग्स अभी अपना फूड वगैरह जो भी है वो खा रहे हैं। कुछ अंदर है, कुछ बाहर है। तो ये मेरे फार्म का, ये हमारा, देख पा रहे हो दोस्तों आप वेदर व्यू, कितना ज़्यादा प्यारा व्यू हो रहा है आज। अभी भैरव का फीडिंग टाइम हो गया है, उसने खाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं पेड़ों के ऊपर जो एक चमक आई है, जो धूल, जो मिट्टी, वो सब कुछ निकल चुकी है। और आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आ रही है आज। बारिश के बाद पेड़ बिल्कुल धुल चुके हैं। और इधर हम चलते हैं, अभी हमारे यहाँ पे स्टेबल्स है हॉर्सेस के, जहाँ पे हमारे हॉर्सेस रहते हैं। हाँ, थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस वेदर में एनिमल्स को, कि हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो घोड़े कीचड़ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो आज हम घोड़ों को, अपने हॉर्सेस को बाहर ही रखेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे हॉर्सेस है, गरिमा आप देख पा रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल बच्ची है ये हमारी। और इसमें हमारी मोहिनी, मोहिनी लो, ये मोहिनी है आप देख पा रहे हैं। ये हमारे स्टेबल्स है, इनके देखो आप, हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हॉर्सेस के अंदर हो चाहे डॉग्स के अंदर हो, तो हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इनके स्टेबल्स देखिए, बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन मिलेंगे। और ये हमारे तेजस है, जो हमारा, हम अपने फार्म का, जिसको हम एज ए स्टैलियन तैयार कर रहे हैं, अपकमिंग स्टैलियन। अभी इसका मालिश का टाइम है, ये हमारे गज्जू जी इसकी मालिश कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो अभी इसका ग्रूमिंग का टाइम है, मालिश का टाइम है। तो घोड़ों के लिए हाइजीन, मालिश, अच्छा फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है माई फ्रेंड्स। और इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे झुमन जी है, आपको झुमन से मिलाता हूँ। ये देखो इसकी स्माइल देखिए झुमन की आप, ये हमारी कल्याणी की मालिश कर रहे हैं। जल्दी कल्याणी हमें खुशखबरी देने वाली है, नेक्स्ट मंथ कल्याणी का फॉल आने वाला है और हमें कल्याणी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और ये आलर हमारे मारवाड़ी हॉर्सेज हैं माई फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये हमारी अरावली, हमारी बेस्ट प्रोड्यूसर मेयर, थोड़ी गर्म मिजाज की है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेयर है। आप देखिए ये अपने रूम्स को खुद, घोड़े भी बहुत ज़्यादा क्लीन रखते हैं, क्योंकि इनमें बड़ी अच्छी सेंस होती हैं कि ये जगह जगह यूरिन या अपनी लीद पास नहीं करते हैं। ये पर्टिकुलर एक एरिया होता है, कोना होता है, उसी में जाके अपना यूरिन या लीद पास करते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा है आज, मैं आपको ये पूरा अपने फार्म का सीन जो दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे मेरे पिजन्स सारे ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और इस वेदर के बाद तो ये हमारा टर्की जो ऑलवेज़ डांसिंग मूड में रहता है, बट अब ये बेचारा अकेला है, इसका साथी अभी इसके पास साथ नहीं है। जल्दी हम इसका एक साथी लेके आएंगे इसके लिए। और ये हमारे पिजन्स, जिसमें हमारे पास राजी है, फनटेल है,
आप देख पा रहे हैं क्या मजे ले रहे हैं ये पानी का और कीचड़ का। ये देखिए क्या फ्लाई करते हैं। ये हमारे फनटेल जो हमारे छोटे चिक्स हैं, ये अभी जस्ट ओनली फोर ज़्यादा टाइम के नहीं हुए, 1 मंथ या 1.5 मंथ के चिक्स हैं। हमारी गजनंदनी है यहाँ पे, ये अभी गाजर खा रही है। अभी हमने इनका फीडिंग का करा के अभी हमने इनको कैरेट्स खिलाते हैं, क्योंकि कैरेट्स बहुत बड़ा एक एंटी ऑक्सीडेंट है। तो हम अपने सारे घोड़े, अपने सारे डॉग्स और काउस को, सबको हम गाजर खिलाते हैं। आप देख पा रहे हैं अभी इसने गाजर वगैरह खा के अपनी ख़त्म कर। यहाँ पे हमारे सारे के सारे डॉग्स का, हॉर्सेस का और हमारी काउस का इसमें फूड तैयार होता है। हम कोई किसी भी प्रकार के LPG गैस या इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। हम नेचुरल भट्टी के ऊपर अपने सारी एनिमल्स का जो भी दाना या हम खाना तैयार करते हैं नेचुरल भट्टी पे करते हैं। और माय फ्रेंड्स, अभी मैं आपको अपनी काउज दिखाता हूँ, जो साहिवाल काउज है। ये मेरी काउज है सारी की सारी। थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ा सा गीला हो गया है, तो अभी बसंत इनकी सफाई कर रहा है। और अब देखेंगे, ये हमारा शंकर और ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अल्टीमेट साहिवाल बुल है। और इसकी प्रोड्यूसिंग है जो हमारे पास आई हुई है माय फ्रेंड्स। और ये हमारी तुलसी जो हमने यहाँ पे अपनी गायों के साथ रखी है, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही काम नेचर की बच्ची है हमारी तुलसी। आप देख, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको मेरा फार्म कैसा लगा, मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए अपने फार्म के लाइव ब्लॉग्स बनाता रहूं, लेके आता रहूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिस भी मेरे फ्रेंड ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट कीजिए। तो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए अपने ब्लॉग्स और अपनी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो माय फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।